मैं हूँ जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल दे रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, सलामकुम वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर, श्विक बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था जी जी बोले। अच्छा सर जी, ये जो मैं अभी अक्टूबर में शादी करके आया हूँ पाकिस्तान, जी, और वैसे मैं यूरोप से आया हूँ, तो मेरे पास 5 साल का ये रेजिडेंट कार्ड है यूके का। और अभी मुझे ये वाइफ अप्लाई करने के लिए मतलब कितनी इनकम देनी पड़ेगी? अभी रूल चेंज हुआ है तो वो 18,000 वाला ही, या अभी वही है? नहीं आपका यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड है ना, आप यूरोपियन है ना? जी, हूँ यूरोपियन, बट मेरे पास यूके रेजिडेंट कार्ड है 5 साल का। हाँ, लेकिन हैं तो आप यूरोपियन ना, जी, तो आपके लिए इनकम रिक्वायरमेंट 18,600 नहीं है। एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हो, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो और ये प्रूव कर सकते हैं कि आप अपनी वाइफ का खर्चा उठा सकते हैं जब वो यहाँ पे आएंगी, तो वो जो है इनफ है। आपको 18,600 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो शो करना ज़रूरी नहीं है। जी, काम तो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, अभी शो कर रहा हूँ, मेरा फुल टाइम काम कर रहा, तो मुझे इसके लिए कितनी पे स्लिप और कितना चाहिए? देखिए, मैंने वही कहा ना कि 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहरहाल, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो फिर 6 महीने की अपनी पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट्स लगा दें और एम्प्लॉयर लेटर भी। जी, ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो, जी, सलाम वालेकुम जाकिर सर। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं अली बोल रहा हूँ लंदन से। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वन एंटरप्रेन्योर वीज़ा था जो मुझे 3 साल और 4 महीने का मिला था। अभी रिसेंटली उसका मुझे एक्सटेंशन मिला है जो वैलिड है अप टू 2019। मुझे ये चेक करना था कि जो एंटरप्रेन्योर रूट पे जो एक्सेलरेटेड सेटलमेंट का जो ऑप्शन है उसको मैं अब एक्सरसाइज करना चाहूँ विदाउट एक्सपायरिंग दी एक्सटेंशन, तो इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, वो कर सकते हैं। अच्छा, और उसके लिए क्योंकि वो 3 साल का एक्सेलरेटेड जी रूट होता है तो वो ज़ाहिर वो 3 साल क्या वो शुरू के होते हैं या वो किसी भी 3 साल में हम कर सकते हैं? लाइक टोटल अगर वो 4 साल अब हो जाते हैं तो उसको किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप लास्ट 3 इयर्स में शो कर सकते हैं कि आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो फिर कर सकते हैं। लेकिन वो यही होगा ना कि जब आपने आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको एक्सटेंशन मिल गई है, लेकिन आप एक्सेलरेटेड जो उसका एक्सटेंशन का जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर वो आप कर रहे हैं पूरी, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की है तो। तो शुरू के 3 साल में तो वो पूरी नहीं हो रही है ना? लाइक शुरू के अच्छा 3 साल में पूरी होती तो मैं एक्सटेंशन अप्लाई नहीं करता, लेकिन वो किसी सेकंड फर्ज करेंगे वो सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में जाके पूरी हो रही है, तो 3 साल का जी, जो गैप है, देखिए क्योंकि इसमें गैलवन जो इसमें एक्सेलरेटेड रूट जी की जो बिल्कुल जो थीम है वो ये है कि हम 5 साल से पहले अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 साल से पहले अगर वो 4 साल भी हो सकता है। देखिए, आपका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जब आपके ये शुरू के 3 साल में आपको ये अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होते हैं तो फिर आप उसको उसके लिए अप्लाई करते हैं। ओके लेकिन मैं आपको इसमें कंफर्म जो है आंसर जो है वो, या तो उसका तरीका ये है कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहें तो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करके आपको दे दूंगा, अदरवाइज मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको टीवी पे भी बता दूंगा। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम जाकिर साहब जी, वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं महबूब बोल रहा हूँ चलथम से। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मेरे एक जानने वाले, उनकी बेटी है, उसका ही अभी नेशनलाइजेशन हुई है 10 इयर्स बेस पे। जी, तो उसके जो वाली साहब है वो आए थे एज ए स्टूडेंट, तो उन्होंने बाद में ये किया कि असाइलम अप्लाई किया था, तो असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया। जी, तो असाइलम रिफ्यूज होने के बाद क्योंकि उनको काम की इजाजत नहीं थी तो वो वॉलंटरली जो है वो वापिस चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन बाकी उनकी फैमिली जो इधर ही थी, उनकी वाइफ और उनके जो है 3 बच्चे। तो अभी जो है वो जो बच्ची है ठीक है, वो अपने वाले साहब को बुलवाना चाहती है क्योंकि उसकी वालदा के पास भी जो है अभी स्टेटस कोई नहीं, उन्होंने अभी कोई अप्लाई नहीं किया है, कोई इंडेफिनेट वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने असाइलम किया था, उनका असाइलम जो है वो रिफ्यूज हो गया था। तो क्या वो अपनी बेटी की बेसिस पे जो है अपने वाले साहब को बुला सकती है? उनको गए हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन यह है कि उनका अभी
बादशाह होती रहती है टेलीफोन। उनकी बेटी की एज क्या है? वो शी इज मोर देन 10 इयर्स नाउ। नहीं, मोर देन 10 इयर्स, अंडर 18 है जी? अंडर 18 है जी। देखिए, ऐसी कोई प्रोविजन तो नहीं है कि वो अपने वाले साहब को बुला सके। तो उसका एक तरीका तो ये है कि जब उनकी वालदा का काम वो को मिल जाता है यहाँ पे स्टेटस, तो वो फिर स्पॉन्सर करें अपने हस्बैंड को। लेकिन ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो जो है वो आपने जैसा कि बताया है कि मोर देन 10 है और अंडर 18 है कि वो अपने वाले साहब को बुला सकें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जफर है जी, लंदन से बोल रहा हूँ मैं। मेरी फैमिली 2013 में आई थी, तो उसके बाद एक्सटेंशन मिली, तो वो अपना 5 साल जब अब मैं 2013 अक्टूबर में आए थे वो। कौन से वीजे पे आए थे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऑफ हु? आपके डिपेंडेंट? हाँ जी। और आप ब्रिटिश हैं? पासपोर्ट है मेरा, तो वो डिपेंडेंट आए थे। फिर मेरे 2.5 साल बाद एक्सटेंशन मिल गई थी इनको। अब मैंने एग्जैक्ट 5 साल के बाद इनका अप्लाई करना है या मैं 28 दिन पहले अप्लाई कर सकता हूँ? जी, जब आप 28 दिन जब रह जाए ना, तो फिर उस विंडो में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब 28 दिन रह जाए वीज़ा ख़त्म होने में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने ये बात आपसे पूछनी है कि मेरे पास एक्चुअली मैंने असाइलम क्लेम किया था और आई हैव डिस्क्रिशनरी, लेकिन मैंने अपने LIR जो है वो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 5 ईयर्स के बाद मैंने अपना इंडेफिनेट लीव अप्लाई किया। लेकिन मुझे जो पूछना है वो ये है कि मेरी शादी जो है वो हो चुकी है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंडियन है और मैं पाकिस्तानी हूँ। तो इसके लिए मैंने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनका केस हम किस तरह से लगा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। नहीं देखें, आप आपके पास डिस्क्रेशनरी लीव है ना, आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो अभी आपने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी, मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है जी। ठीक है, जब आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं। नहीं, वो इधर ही है, यहीं पे है। अच्छा, वो इधर ही है, यूके में ही है? हाँ जी, वो इधर ही है। उनका क्या स्टेटस है? उनके पास स्टेटस नहीं है। अच्छा, उनके पास स्टेटस नहीं हो। और आप लोग कितने अरसे पहले आपकी शादी हुई थी इनके साथ? 1.5 साल हो गया। सॉरी, कितना अरसा हो गया? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल हो गए हैं, ठीक है। और लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है जी। ठीक है, और आप लोगों की कोई बच्चा तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं। अगर तो देखें, 2 साल हो गए हैं आपकी शादी को, तो वो उनके लिए आप एज पार्टनर भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन इसमें सिचुएशन ये होती है, इसमें सिचुएशन ये होती है कि चूंकि उनके पास वीज़ा कोई नहीं है, यानी कि वो ओवर स्टेयर हैं, तो अगर कोई ओवर स्टेयर हो तो उसको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे वीज़ा मिलता है। और ऑब्वियसली जब भी वो अप्लाई करेंगे तो आपके आपके हस्बैंड के उनके सर्कमस्टांसेस देखेंगे कि क्यों वो अपने मुल्क में जाके वहाँ से वीज़े के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। क्योंकि अगर 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 कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपने मुल्क को नहीं जा सकते, मतलब अगर वो जा सकते हैं तो फिर होम ऑफिस उनको यहाँ से नहीं देगा वीज़ा, अनलेस के जैसे मैंने कहा है कि कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते। तो मेरा मशवरा ये है कि आप और आपके हस्बैंड किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें, तो फिर आपको सही तरीके से एडवाइस किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो जी। जी जी जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें। क्या सवाल है आपका? अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, राजा इमरान बात कर रहा हूँ। जी राजा साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी जी जी, मेरा सवाल ये है जनाब कि मैंने 3 तारीख को, 3 मार्च को एक्सटेंशन के लिए मैंने एक्सटेंशन के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया था 3 मार्च को। किस चीज के एक्सटेंशन के लिए? स्पोर्ट्स वीजे के एक्सटेंशन। अच्छा। के लिए। तो अभी उन्होंने मुझे बोला था जी कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको जवाब देंगे, जबकि आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है। तो क्या मैं कॉन्टेक्ट करूं उनसे, या कोई ऐसा कोई नंबर या ऐसी कोई मेल करूं उनको, या मैं स्टिल वेट करूं? क्योंकि जीत साहब ने इंटरव्यू लिया था,
वो कह रहे थे 2 से 3 वीक में आपको जवाब मिल जाएगा। जी जी देखें, अगर 2 से 3 हफ्ते का है और 4 हफ्ते हो गए या महीना हो गया तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि आप 1-2 हफ्ते और वेट करें। अगर कोई आपको उस 1-2 हफ्ते में कोई डिसीजन नहीं आता तो आप चाहें तो होम ऑफिस से फिर रब्ता कर सकते हैं। आप उनको अगर आपके कोई वकील हैं तो उनके थ्रू या ख़ुद से लेटर वगैरह लिख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि आपके केस का क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मलिक बोल रहा हूँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने HSMP अप्लाई किया था 2011 में, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर वो एक ऑब्जेक्शन लगाया कि आपकी इनकम जो है वो सही साबित नहीं होती, लेकिन बाद में HMRC लेटर लगा के वो अप्रूव हुई। एक मैंने वीजा अप्लाई किया था स्टूडेंट का टॉइक पे, फिर बाद में उन्होंने वो लगा दी मेरे ऊपर कि आपने टॉइक किया इसलिए आपको वीजा नहीं दे सकते, आप कंट्री छोड़ देंगे वो। इसके बाद हम कोर्ट में गए, JR वगैरह डाला, JR की तारीख थी पिछले अक्टूबर में, उसमें उन्होंने हमें ये बोला कि आप इससे पहले 2 केस चल रहे हैं उनके फैसला होने के बाद आपका केस चलेगा। मैंने बरिस्टर लेके गया एक, तो उसको फीस वगैरह भी है सारा कुछ, लेकिन बाद में अभी लेटर आया कि उनका फैसला उनके खिलाफ हो गया, तो लिहाजा आपका भी डिसीजन जो है उन्होंने मेरे खिलाफ कर दिया, या मतलब उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। मेरे वकील ने मुझे बताया, तो उसने लिखा है कि मैंने उनको लिखा है कि हम हमारा सेपरेट केस है, हम इसको लहजा से परसू करना चाहते हैं, तो लिहाजा आप हमें टाइम दें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी इधर है, बच्चा भी है एक डिसेबल, उसके भी अभी 6 साल और 3 माह हो गए हैं, तो हमें के लिए क्या होना चाहिए, या ट्वेल्थ का कोई फैसला सबके खिलाफ आ गया या क्या? नहीं देखिए, सबके खिलाफ तो नहीं है, इंडिविजुअल बेसिस पे वो देखते हैं कि जनरली स्पीकिंग के अगर किसी ने जो है वो गलत तरीके से टॉइक का टेस्ट किया था तो उसको फिर ऑब्वियसली उस पर डिसेप्शन का लगता है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे सेपरेट बेसिस पे हर एक का होता है। तो मेरे ख्याल में आपके वकील ने सही किया है कि उनको कहा है कि सेपरेटली इसका कंसिडर करें, तो जब आपकी हेयरिंग आएगी तो उसी में फिर फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी मेरे 2 सवाल है। जी जी बोलिए जी। ये जो मेरा बेटा पहले किसी की केयर कर रहा सी था, उसने अपनी वाइफ बुलाई है, था हूँ दूसरा मेरा बेटा उस आदमी की केयर करना चाहता है, था वो ये अपनी वाइफ बुलाना चाहता है, ऐसा हो सकता कि नहीं? क्या मैं आपका सवाल समझा नहीं, आपका पहले बेटे ने क्या किया था? किसी की केयर कर रहा सी था, वो बेटा छोड़ के वो केयर चला गया किसी और जगह, उसकी वाइफ आ गई दूसरे टाउन में चला गया था, वो दूसरा बेटा मेरा उसकी केयर करना चाहता है जी। अगर अगर वो पहला बेटा नहीं कर सकता किसी वजह से और दूसरा कोई केयरर बन गया है और वो अगर अपनी वाइफ को बुलाना चाहे तो बुला सकता है। जी बुला सकता है। शुक्रिया। तो दूसरा ये सवाल है कि मेरे बेटे की पहले जिधर काम करता सी पार्ट टाइम करता सी, वो अपनी बीवी का केस दिया, दोबारा वो इस काम पर केस दे सकते हैं कि नहीं? मैं आपका बिल्कुल सवाल समझा नहीं कि पहले जिधर काम कर रहे थे वो दोबारा वही काम है? वही काम चलेगा कि उस काम के ऊपर उन्होंने समझा सी कि ये झूठा कर रहा, तो वो सच कर रहा सी कि सिर्फ उस उन सीटों के ऊपर रेफरेंस नंबर नहीं सीट है, वो लोग बोलते हैं। देखिए अगर 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 तो आपका बेटा जेन्युइनली यानी कि सही तरीके से उधर काम कर रहा था और अगर उसमें कोई जो आप कह रही हैं कि पे स्लिप में कोई मसला था, कोई रेफरेंस नंबर वगैरह नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने ये समझा एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, होम ऑफिस या ब्रिटिश हाई कमीशन ने कि ये गलत है, काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो जेन्युइनली कर रहा था तो उन चीज़ों को ठीक करके दोबारा वो दे सकते हैं, दोबारा आपका बेटा उसी बेसिस पे अप्लाई कर सकता है अगर जेन्युइनली काम कर रहा था, क्योंकि जो कागजात हैं वो सब कुछ सही होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक वक्फे का टाइम हो गया है, तो एक वक्फे पे जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाज़िर होते हैं।